नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं योगा फॉर बैक के लिए। बैक एक ऐसी मेजर समस्या है जो आज के समय में बहुत सारे लोगों को आती है, क्योंकि पोस्चुरियल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, डेस्क जॉब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लिखने पढ़ने का काम और मोबाइल यूजेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अक्सर लोगों को बहुत कॉमनली बैक में समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम झुक कर के बैठे हुए हैं आराम से, या फिर सोफे पर बैठे हुए हैं, या गलत पोस्चर में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना, L4 L5 में गैप आ जाना, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो आज हम जानते हैं कुछ ऐसे योगा आसन के बारे में जो हमारे सर्वाइकल को, लंबर को, थोरेसिक स्पाइन को बहुत ही अच्छा लाभ देने के लिए और बिल्कुल हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले सबसे बेसिक कैट एंड काउ स्ट्रेच से। कैट एंड काउ स्ट्रेच कैसे करना होता है? मैं धीरे से यहाँ पर आया और मैंने मेरी प्राइमरी मूवमेंट जो है वो मेरी कमर की 1 और 2, ये मेरी प्राइमरी मूवमेंट रहेगी। इसमें ब्रीदिंग पैटर्न कैसे इंक्लूड होगा? जब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो मैं एक्सहेल कर रहा हूँ अच्छे से, मेरी गर्दन नीचे है, कमर ऊपर है, और जब मैं ऊपर की तरफ देखने वाला हूँ तब मेरी कमर नीचे आएगी और मैं पूरा इनहेल करूँगा, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। कैट एंड काउ स्ट्रेच एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है, बहुत बेसिक स्ट्रेच है, बट लाभ बहुत ज़्यादा देता है, आपकी स्पाइन की पूरी मोबिलिटी को, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करने का काम करता है। इसको हम कम से कम 20 से 30 बार दोहराएं तो हमें लाभ होगा। दूसरा होता है बालासन की अवस्था। बैक को स्ट्रेच देने के लिए, बहुत कम्फर्ट देने के लिए, रेस्ट देने के लिए पूरा माथा ज़मीन पर, जिसमें कोशिश कीजिए कि मेरे हिप्स एड़ियों से अलग ना हो और मेरा माथा भी जा करके ज़मीन पर लगे। बालासन मेरी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को रिलीफ देने के लिए बहुत ही उत्तम है। और फिर धीरे से मैं ऊपर आऊँ, जितनी देर आपकी क्षमता हो उतनी देर आप कोशिश करके बालासन में रुके और फिर वापस आए। एक आसन को कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम समय के लिए होल्ड किया जा सके। और उसके बाद हम सुप्त वज्रासन की ओर जाते हैं। धीरे धीरे कोहनियों को मोड़ा हमने और कोहनियों को पहले एक कोहनी को जमीन पर रखा, फिर दूसरी कोहनी को जमीन पर रखा और धीरे से अपने शरीर को एडजस्ट करते हुए पूरा सिर जमीन पर। जितनी देर मैक्सिमम क्षमता हो उतनी देर यहाँ पे रुके और फिर धीरे से वापस आए। ध्यान देंगे कि जिस तरीके से आप गए थे उसी तरीके से आप वापस आएंगे, आप ऐसे साइड में गिर करके वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल जैसे गए थे ठीक वैसे ही आएंगे। उसके बाद हम अगले आसन में आते हैं जो कि हमारा सेतु बंध आसन होता है। कमर के बल पे लेट जाएंगे और धीरे से एड़ियों में कंधों जितना फासला रखते हुए इनहेल एंड अप। सेतुबंध आसन भी मेरी कमर की तरफ प्रेशर देता है। मैंने अपने आप को लिफ्ट कर रखा है तो कमर की मसल्स को यूज करके लिफ्ट कर रखा है और मैं धीरे से ऊपर हूं। जितने देर के लिए आप रह सकते हो ऊपर उतनी देर के लिए रहेंगे। कुछ लोगों को जिनको थाइस वीक है उनके थाइस पे भी स्ट्रेच आएगा, कुछ लोगों के जिनके अब्डोमिन वीक है उनके अब्डोमिन पे भी स्ट्रेच आएगा, बाकी लोगों के प्राइमरीली बैक पे आएगा स्ट्रेच। और यहाँ पे जितनी देर क्षमता हो उतनी देर रुके और फिर वापस आए। कोशिश कीजिए कि किसी भी आसन को जब आप लगा रहे हैं तो आप उसको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट लगाएं। उसी 2 से 3 मिनट लगाने के बाद ही आपको किसी भी आसन का लाभ एक्चुअल में मिलता है, अन्यथा वो एक एक्सरसाइज के रूप में सिर्फ और सिर्फ काम में आती है, आपको सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी देने के काम में आती है,
प्रॉपर अगर आपको क्लासिकल योगा के बेनिफिट्स चाहिए तो आप किसी भी आसन को कोशिश कीजिए कि आप थोड़े समय के लिए लगाएं, ताकि आप उस आसन में थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कर पाए, थोड़ा सा अपने भीतर जाग पाए, थोड़ा सा माइंडफुल हो पाए, राइट। अगला आसन हमारा पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को कस के हक कर लेते हैं और नाक को घुटनों पे लगा देते हैं। अगेन, पवन मुक्तासन मेरे गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए भी, मेरे इंडाइजेशन इश्यूज के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत उत्तम होता है। पेट को भी कम करने का काम करता है और साथ ही साथ कमर को भी फ्लेक्स करता है। इसके बाद हम चक्रासन में आएंगे। चक्रासन जिस जिसकी क्षमता हो सिर्फ वही लोग करेंगे, अन्यथा बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर के हाथों पे दबाव दे करके अपने शोल्डर को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सिर्फ इतना करेंगे और जो आसानी से कर पाए वो पूरा ऊपर जाएंगे चक्रासन में। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे, पूरी सजगता के साथ, मन में शांति का भाव, और धीरे से पहले सिर नीचे, फिर कंधे नीचे और फिर कमर नीचे। मन में आनंद ही आनंद। अगला आसन होता है मेरा सेतु आसन। सेतु बंध से सेतु आसन थोड़ा भिन्न होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी एड़ियां, मेरा सिर और मेरी कोहनियां जमीन पे आएंगी, बाकी मेरा पूरा शरीर नीचे होगा, कुछ ऐसे। ये मेरा सेतु आसन होता है। और धीरे से नीचे। कुछ पल विश्राम करेंगे, शव आसन में आकर के अपने आप को बिल्कुल शांति देंगे, अपने आप के प्रति सजग होंगे, पूरा ध्यान केवल और केवल अपने शरीर और अपनी श्वासों पर, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान और ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेंगे और राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएंगे। ऊपर वाले का धन्यवाद क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आपकी बैक के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया होगा। उम्मीद है आपको ये आसन समझ में आए होंगे। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये आसन काम के लगे हो, आपका आप रिलेट कर पा रहे हो कि किस प्रकार ये आसन आपके बैक को बिल्कुल सही कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर ये कंटेंट पसंद आया हो और ऐसा और भी कंटेंट आपको चाहिए हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया है लाल रंग में, उसे प्रेस करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। हमारे चैनल पर इस तरीके की और भी योगा से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी आती रहेगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दूँ, जिससे आप अपने सेहत को पूरी तरीके से सुधार पाएँ और योगा को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।